सुशील की श्री फिजिक्स फैकल्टी विद्या मंदिर क्लासेस HL। आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हीट। और इस टॉपिक में कुछ चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हीट हो गया, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या डिवाइसेस होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, टेम्परेचर स्केल क्या होते हैं, क्या रिलेशन होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हीट। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अपीयर्स व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर कम इन टू कॉन्टैक्ट एंड फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू दैट एट लोअर टेम्परेचर। मतलब अगर हीट को समझना है तो हम क्या करते हैं, दो बॉडी को लेते हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं और उनको कॉन्टैक्ट में लेकर के आते हैं, तो हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में हीट का फ्लो होगा। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी है, ये हमेशा हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में हीट फ्लो होगा। अगर दो बॉडी के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल टेम्परेचर पे है, तो हीट फ्लो नहीं होगा। तो ये हीट हो गया। हीट की जो यूनिट होगी वो जूल में जूल होती है, और अदर यूनिट कैलोरी भी होती है, तो ये दो यूनिट हो जाती है मेनली यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे। अब आते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस आर कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मतलब अगर दो बॉडी है, वो कोई एक बॉडी हॉट होगी, कोई एक बॉडी कोल्ड होगी, तो ये कितना हॉट है कितना कोल्ड है हम टेम्परेचर से डिफाइन करते हैं। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा हॉट होगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा वो उतना कम होगा। तो दिस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि कितना ज़्यादा हॉट है या कितना ज़्यादा कोल्ड है, तो ये टेम्परेचर होता है। अब हम लोग टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस की बात कैसे करते हैं, उसके लिए पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि विच ऑब्जेक्ट इज हॉट और विच ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। तो हॉट एंड कोल्ड, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे डेली लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो कि हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी इज हॉट, आइस इज कोल्ड। बट हम पता कैसे करेंगे कि टी हॉट है या आइस कोल्ड है या कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसके लिए जो हम लोग करते हैं वो टच करके पता कर लेते हैं कि कौन सी बॉडी हॉट है या कौन सी बॉडी कोल्ड है। टी को अगर हम टच करके देखेंगे तो ये हॉट रहेगा, तो पता चल जाता है कि ये हॉट है। और आइस को टच करेंगे तो हमें सेंस होगा कि हाँ ये कोल्ड है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ए रिलायबल मेथड टू फाइंड विच ऑब्जेक्ट इज हॉट और विच ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, एक हम फर्नेस ले लेते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको टच करके तो नहीं बताएंगे कि ये इसका ये जो है हॉट है या ये जो है कोल्ड है, अदरवाइज हमारा हाथ बर्न हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का फर्नेस है, उस पर हम उसको टच करने जाएंगे तो हमारा हाथ बर्न हो जाएगा। तो अब कैसे, कोई रिलायबल मेथड होना चाहिए हमारे पास, तो उसके लिए एक टर्म आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर मेजर करने का जो डिवाइस है थर्मोमीटर, ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो ये इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म नैरो ट्यूब होती है, और ये जो ग्लास के नीचे साइड में एकदम पतला से आप देख रहे हैं, ये ग्लास बल्ब बोलते हैं इसको, और यहाँ पे मरकरी फील होता है। और ये जो ग्लास ट्यूब है उसके ऊपर ही टेम्परेचर स्केल्स ग्रेजुएटेड होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं 35, 36, 37, 42 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये टेम्परेचर स्केल से यहाँ पे हम रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी हम आगे देखते हैं। तो ये इस टाइप का थर्मोमीटर दिखता है। अब पता कैसे करते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी आई, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं किंक है। किंक का काम ये होता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मरकरी का लेवल ऊपर जा रहा है तो ये वापस ना आने पाए, बाउंस बैक ना करे, तो इसकी वजह से ये बाउंस बैक करने से रुक जाता है। और ये यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब में मरकरी होता है, ग्रेजुएटेड होते हैं सारे स्केल्स यहाँ पे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज फॉर
मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ओनली, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस वजह से इसका जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे ये दिख भी रहा है 35 डिग्री और 42 डिग्री। अब 35, 36, ये अगर हम इस ट्यूब को बहुत केयरफुली देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, 35, 36, तो इसके बीच में 10 डिवीजन्स हैं। जैसे नॉर्मल स्केल होती है उसमें 10 डिवीजन्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी है, 37, 38 के बीच में भी 10 डिवीजन। तो अगर हम देखें कि 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम 1 डिवीजन की हम बात कर लेते हैं कि कितना उसकी वैल्यू होगी, और रीडिंग देखते समय हम उसी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू रख देते हैं। जैसे नॉर्मल स्केल में हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं उसी तरीके से एकदम रहेगा। तो ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, डॉक्टर्स के पास अवेलेबल रहते हैं। इसका जो रेंज रहेगा वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हमें फीवर आ गया, तो हम थर्मोमीटर को क्या करते हैं, थर्मोमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका बल्ब है उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश कर लेते हैं कि कोई वायरस वगैरह ना यहाँ पे लगा रहे। अब इसको टंग के नीचे हम लोग प्लेस कर लेते हैं और 1 मिनट तक वेट करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जो मरकरी का लेवल है वो राइज करेगा, मरकरी एक्सपैंड करेगा तो ये ऊपर राइज करेगा। तो अब जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये मरकरी राइज करेगा, और फिर 1 या 2 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेते हैं टंग से। फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि जो मरकरी का लेवल है वो कहाँ तक गया है, और उसके और जो ग्लास ट्यूब है यहाँ पे ग्रेजुएटेड होते हैं, मार्क्स अलग अलग बने होते हैं, तो वहाँ पे हम उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं कि कितनी रीडिंग है। और हमें पता है 1 डिवीजन जो होगा वो 0.1 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और बड़े जो मार्क्स उसमें दे रखा है 35, 36, ये इस तरीके से हम वहाँ पे मेजर कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल लेंथ मेजर करते हैं सेम उसी तरीके से इसकी भी रीडिंग आएगी। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यहाँ पे जो इसका रेंज होता है वो ज़्यादा होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका कंस्ट्रक्शन भी उसी तरीके से है, लॉन्ग नैरो ट्यूब होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर किंक नहीं होता। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में था वहाँ पे एक किंक भी होता है, किंक और ऑब्स्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे वो नहीं होता। इसका रेंज ज़्यादा है तो ये जो ट्यूब है ग्लास की ट्यूब है ये थोड़ा लंबी ज़्यादा होती है, और सेम यहाँ पे जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं वो भी कैलिब्रेटेड रहते हैं। तो ये है क्लिनिक लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और इसका यूज जो है हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, इस वजह से इसका नाम लेबोरेटरी थर्मोमीटर पड़ा है। इसको हम कैसे मेजर करेंगे रीडिंग, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेते हैं और इसको जिस भी सपोज हमें वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको हमने एक बीकर में ले लिया, और ये थर्मोमीटर को हम इसको वर्टिकली प्लेस कर देते हैं, और इस तरीके से प्लेस करते हैं। थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है कि जो इसका बल्ब है वो कंटेनर के या बीकर के सरफेस से ना टच करने पाए और ये सोल्यूशन में ही डिप रहे, और इसको वर्टिकली प्लेस करते हैं। अब फिर 2 मिनट का वेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। फिर हम रीडिंग नोट कर लेते हैं उसका, मरकरी लेवल कितना राइज किया उसका लेवल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो रीडिंग दे देता है सैंपल का या वाटर का टेम्परेचर क्या होगा। तो इस तरीके से ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। सेकेंड है बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाई द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, अदरवाइज वो एरर आने लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर। अब कुछ डिजिटल थर्मोमीटर ऐसे होते हैं, कुछ जो थर्मोमीटर ऐसे होते हैं वहाँ पे हमें मरकरी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक सेंसर होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अंदर लगी होती है, वो डायरेक्टली बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके रीडिंग दे देता है। यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है वो डायरेक्टली रीडिंग दे देगा, तो वहाँ से हम लोग आसानी से उसको रीड कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये डिजिटल थर्मोमीटर हो गया। नेक्स्ट है
डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, तो कोई भी टेम्परेचर है उसको हमें एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं। जनरली हम लोग तीन टाइप के स्केल्स यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला सेल्सियस है, दूसरा केल्विन स्केल और तीसरा फॉरेनहाइट स्केल। तो अब इनमें क्या रिलेशन है, कैसे एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ये रिलेशन होता है सी माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल्स टू के माइनस 273 अपॉन 100। तो यहाँ से अगर हमें सेल्सियस और फॉरेनहाइट में रिलेशन चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले और दूसरे रेशियो को, तो सी इक्वल्स टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32, ये रिलेशन आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। सिमिलरली अगर सेल्सियस और केल्विन स्केल में हमें रिलेशन चाहिए तो पहला और थर्ड को हम देख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा के इक्वल्स टू सी प्लस 273। तो यहाँ से अगर हमें सेल्सियस की वैल्यू पता है तो केल्विन की वैल्यू निकाल सकते हैं, या केल्विन की वैल्यू पता है तो सेल्सियस स्केल में हम रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्सप्रेस ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फॉरेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस में गिवेन है, हमें इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम पहला रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, दैट इज सी इक्वल्स 5/9 इंटू एफ माइनस 32, और एफ की जगह पे फॉरेनहाइट की वैल्यू रख देते हैं। तो 5/9 इंटू 60 माइनस 32, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 15.56। तो ये 60 डिग्री फॉरेनहाइट के इक्विवेलेंट सेल्सियस में 15.56 डिग्री सेल्सियस वैल्यू होगी। तो इस तरीके से एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें सेल्सियस में वैल्यू पता है, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है, तो सेकेंड रिलेशन में हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, सेल्सियस की जगह पे 27 रख देंगे, तो के इक्वल सी प्लस 273। तो सी की जगह पे 27 रख दिया, तो 27 प्लस 273 तो केल्विन स्केल में आ जाएगा 300। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस के करिस्पॉन्डिंग जो केल्विन स्केल में वैल्यू आएगी वो 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक को दूसरे में हम कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।